चिकित्सा शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना के टेस्टिंग रिपोर्ट की समीक्षा की तथा कहा कि कोरोना के टेस्टिंग की क्षमता को बढ़ाया जाए, जिससे अधिक से अधिक संक्रमित लोगों का पता लगाया जा सके और उनका समय रहते समुचित इलाज किया जा सके। प्रमुख सचिव ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में टेस्टिंग लैब की क्षमता को बढ़ाया जा चुका है, इलाज की समुचित व्यवस्था है, इसलिए कोई भी कोताही न बरते और टेस्टिंग की क्षमता को प्रतिदिन 1,00,000 किया जाए। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में BRD मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गणेश कुमार सहित संबंधित चिकित्सक मौजूद रहे। प्रिंसिपल गर्ग साहब, आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक टीम बनाकर इसको देखें, मल्टीपल ICU में 3-4 लोग पार्टिसिपेट करें, केस स्टडीज प्रेजेंट करें और इसमें गाइडेंस लें। मेरठ में सेंसिटिविटी बनी हुई है और इसी तरीके से झांसी है, झांसी क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं? कोई नहीं आ रहा है, कैमरे साइलेंट है, पता लग जाता है जूम पे, फोटो आ जाती है अगर कोई पार्टिसिपेट करे। कई दिनों से नहीं कर रहे हैं और झांसी में भी लगातार डेथ हो रही है। सैफ भाई, सर टीम बनी हुई है सर और वो रेगुलरली सर पार्टिसिपेट कर रहे हैं सर, पूजा कर रहे हैं। सैफ भाई का जो मैनेजमेंट है वो फिर क्लाउड में आ गया है, इसको आप देखें। Nobody is participating from this medical college. इसमें पार्टिसिपेट करें, इसमें कंट्रीब्यूट करें। ये देखिए सर्वाई में आपके यहाँ केसेस आ रहे हैं, डेथ लगातार हो रही है, आपके यहाँ सेंसिटिविटी बनी हुई है। टीम बनी, मैं ऐसा नहीं मैं से बोल रहा हूँ, टीम बनी हुई है, लेकिन मैं फिर दोबारा उनको बता दूंगा कि वो नहीं कर रहे हैं और ये पॉइंट रेज किया गया है। आप OSD हैं या आप प्रिंसिपल? सर मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट हुआ सर, नहीं वो नहीं आप। उनको आना चाहिए, अगले मंगलवार उन्हें भेजिए। वो वहाँ क्या कर रहे हैं जब क्लासेस नहीं हो रही है? इशू अटेंड दिस VC ट्यूसडे को जो होती है, इसमें देखें आपके यहाँ से कोई पार्टिसिपेट हो रही है? इसी दिन में किसी का पार्टिसिपेशन नहीं है, राजश्री भी नहीं कर रहा, तीनों मेडिकल कॉलेजेस में से कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और बरेली में भी लगातार डेथ हो रही है और आप लोग ऊपर दारोमदार हैं, 400 बेड के कोविड हॉस्पिटल साहब के बने हुए हैं और बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के ऊपर है। इसको देखिए, इससे लगे कि हाँ आपकी प्रेजेंस जो है, जैसे आप देखेंगे बैठ जाइए। मैं ये इम्पोर्टेंट सिटीज की उसको मैंने टेकअप किया जब मैं इस समय सेंसिटिविटी और एक बस्ती भी है, बस्ती मेडिकल कॉलेज बस्ती। सर कल मैंने अटेंड की, आज मैंने BCCS के रिटायरमेंट को बोल दिया, आज एक केस लेकर तो बैठा हूँ। इसमें कम से कम दो लोगों को ये हेड करना चाहिए और वो इसको देख लें, वो निकट भविष्य में हो सकता है बस्ती साइड आए और आप लोग देख लें। ये बस्ती एकमात्र आज जो जिले हैं उसमें छोटे शहरों में बस्ती को उन्होंने खासतौर पर देखने के लिए कहा है।